हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले लाइसा कोवाई किंग्स वर्सेस स्पलिंग स्पार्टन्स के बीच में होने वाली फर्स्ट T20 मैच के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मैच देखा जाए तो तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2021 है और ये मैच M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएंगे फ्रेंड्स। तो मैच ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 7:30 बजे शाम को होने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पर तो यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें तो 150 से 160 रन तक बन सकता है। यहाँ पर फेस बॉलर को यहाँ पर 60% सपोर्ट मिलने वाला है, स्पिन बॉलर को 40%। तो यहाँ पर फेस बॉलर्स की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 7.72 रन पर ओवर होने वाला है और स्पिन बॉलर्स को 6.94। तो यहाँ पर एक तरफ देखा जाए तो पिच यहाँ पर ये बैलेंसड है फ्रेंड्स। यहाँ पर तो यहाँ पर दोनों टीम की फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर लाइसा कोवाई किंग्स ने लास्ट 5 मैचेस में 3 मैच जीते हैं फ्रेंड्स और 2 मैच हार गए हैं। और वही सलीम स्पार्टन्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 लॉस है और 1 विन है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो ये डिटेल्स देख लिए, लेकिन आपको मैं दिखाने वाला हूँ दोनों टीम की स्टैट्स क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अभिषेक तनवर ने 32 मैच में LKK है फ्रेंड्स। यहाँ पर लाइसा कोवाई किंग्स की अभिषेक तनवर ने 32 मैच में 294 रन के साथ साथ 32 विकेट लिए। और यहाँ पर सिजित चंद्रन की बात करें तो 32 मैच में 696 रन के साथ 2 विकेट है। तो यहाँ पर विकेट को छोड़ो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी बैटिंग की देखो, 32 मैच में 696 रन है। और यहाँ पर आपको एवरेज और जो भी इकोनॉमी इनकी रेट है आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर कृष्णमूर्ति विघ्नेश की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 30 मैच में 45 रन है लेकिन यहाँ पर 36 विकेट है। शाहरुख खान, आपको पता है फ्रेंड्स, शाहरुख खान यहाँ पर IPL के लिए किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलते थे। यहाँ पर एक बड़े हिटर है फ्रेंड्स, लोअर मिडिल ऑर्डर पे आते हैं और यहाँ पर एक धमाकेदार शॉट्स खेलते हैं। तो यहाँ पर इस प्लेयर को आप कैप्टन भी बना सकते हैं। 29 मैच में 651 रन है। गंगा श्रीधर राजू की बात करें तो 29 मैच में 636 रन है फ्रेंड्स। यहाँ पर टी नटराजन की बात करें तो फ्रेंड्स, इनको आप जानते हैं, यॉर्कर किंग भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर 28 मैच में 14 रन है लेकिन यहाँ पर 41 विकेट है फ्रेंड्स। इंडिया टीम के लिए भी टी नटराजन खेल चुका, आपको सभी को पता होगा। और अश्विन वेंकट रमन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 22 मैच में 346 रन है। एस अजीत राम ने 21 मैच में 23 विकेट लिए, 49 रन बनाए। आर केविन ने 20 मैच में 91 रन और इनकी कोई विकेट नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर। और बात करें तो यहाँ पर ज्योतिमणि गौजित सुभाष की बात करें तो 9 मैच में 82 रन है। सेल्वन कुमारन ने 6 मैच में 32 रन और 7 विकेट लिए। और यू मुखिलेश की बात करें तो 4 मैच में 9 रन है फ्रेंड्स यहाँ पर। और यहाँ पर बाकी जो प्लेयर्स हैं इनको अभी तक मौका नहीं मिला फ्रेंड्स, लेकिन ये सारा प्लेयर्स यहाँ पर लाइसा कोवाई किंग्स के लिए खेलते हैं और ये सब यहाँ पर लाइसा कोवाई किंग्स के लिए सेलेक्ट हुए हैं फ्रेंड। आई होप, उम्मीद करते हैं, क्योंकि ऐसा लीग इंडिया में और बने। आप पता है फ्रेंड, झारखंड T20 लीग बन रहा है, बिहार T20, आंध्रा T20 लीग, ऐसा लीग्स बनेंगे तो फ्रेंड्स यंगस्टर्स को मौका मिलेगा और इंडिया टीम जो भी है और स्ट्रांग बनते जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि ऐसा लीग भारत में और बने। और यहाँ पर वही यहाँ पर सलीम स्पार्टन्स की बात करें तो यहाँ पर हरि गोपीनाथ है फ्रेंड्स। यहाँ पर 34 मैच में 993 रन है। और यहाँ पर M. गणेश मूर्ति की बात करें, 31 मैच में 95 रन और 24 विकेट है फ्रेंड्स। यहाँ पर मुर्गन अश्विन, आपको पता है फ्रेंड्स, किंग्स इलेवन के लिए पंजाब के लिए भी खेल चुके हैं। यहाँ पर बहुत एक्सपीरियंस स्पिनर है फ्रेंड्स, रविचंद्रन अश्विन के भाई। 27 मैच में 370 रन के साथ साथ 31 विकेट है फ्रेंड्स। यहाँ पर अक्षय श्रीनिवासन ने 23 मैच में 508 रन बनाए। और यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो इंग्लैंड सीरीज के लिए वहाँ पर है। तो यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर आपको अवेलेबल नहीं होने वाला है। और उमा शंकर सुशील की बात करें तो 17 मैच में 136 रन है फ्रेंड्स। यहाँ पर रवि कार्तिकेयन 15 मैच में 69 रन है और 9 विकेट है फ्रेंड्स। यहाँ पर एस अभिषेक ने 12 मैच में 115 रन बनाए। और गणेश पेरिया स्वामी की बात करें तो 9 मैच में 21 विकेट है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं गणेश पेरिया स्वामी के 9 मैच में 21 विकेट है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं स्टार्ट्स देता हूं कि आपको एक आसान से, मैं तो टीम बना के स्टार्ट्स बना के आपको दे दूंगा, लेकिन आपको और स्टार्ट्स पता रहेगा तो फ्रेंड्स आप मुझसे बेहतर टीम आप बना सकते हो। ए अरिफ की बात करें तो 9 मैच में 75 रन। एम विजय कुमार ने 8 मैच में 150 रन बनाए फ्रेंड्स। यहाँ पर TD लोकेश राज ने 4 मैच में 4 विकेट और बी प्रणीश ने 3 मैच में 5 विकेट है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब विजय शंकर की बात करें तो फ्रेंड्स, विजय शंकर लास्ट 3 मैच के, लेकिन आपको पता है इंडिया टीम के लिए खेल चुके हैं और अभी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं। तो यहाँ पर विजय शंकर एक बहुत डेंजरस प्लेयर है फ्रेंड्स, लोअर हिटर है, लोअर मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं और मिडिल ऑर्डर पे भी करते हैं। तो यहाँ पर विजय शंकर तो अभी फिलहाल इतना बड़े फॉर्म में नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फॉर्म अच्छे से कमबैक करें और इंडिया टीम के लिए फिर से अपने स्क्वाड में अपने ज्वाइन करें। तो 3 मैच में 3 विकेट है फ्रेंड्स। यहाँ पर एस गोपालन की बात करें तो 2 मैच में 2 विकेट। एस शुभम मेहता ने 2 मैच में कोई सफलता नहीं ली है फ्रेंड। और यहाँ पर राजेंद्र कार्तिकेयन ने 1 मैच में 4 रन ही बनाए हैं। तो यहाँ पर इनको, बाकी जो भी प्लेयर्स हैं फ्रेंड्स, इनको अभी तक मौका नहीं मिला, इस साल वो मौका मिलने वाला है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि इन सारे प्लेयर्स को मौका मिले और अच्छे से प्रूव करें।
तो फ्रेंड जो भी दोनों टीम की स्टार्ट से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो फ्रेंड्स अभी आपको मैं देने वाला कैप्टन और वाइस कैप्टन किस प्लेयर को बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको मैं टीम एक्सप्लेन कर दिया। तो फ्रेंड्स ये ग्रैंड लीग के लिए प्लेयर्स आपको अच्छा है, ए श्रीनिवासन है फ्रेंड्स, ए तनवर है, के गोपीनाथ है, एस राम है फ्रेंड्स यहाँ पर। वही कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर ए श्रीनिवासन, ए तनवर, के गोपीनाथ, एस राम, एस खान और यहाँ पर विजय शंकर है फ्रेंड। यहाँ पर सारे प्लेयर्स को छः और यहाँ पर अब देखा जाए तो छः प्लेयर है फ्रेंड। इसी प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन आप ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग के लिए और हेड टू हेड के लिए रिपीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पर अब कवर करने वाला हूँ फ्रेंड, ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स वो टॉपिक आपको मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स इन दोनों टीम की स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है वो जानना बहुत जरूरत है। एलकेके की बात करें तो लाइसा कोवाई किंग्स की, इनकी स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स बॉलिंग। और यहाँ पर सलीम स्पार्टन्स की बात करें तो इनकी स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स बैटिंग। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक देख लेना है कि यहाँ पर सलीम स्पार्टन्स के आपको बैट्समैन के ज़्यादा पिक करें और यहाँ पर इस टीम के लिए बॉलिंग को पिक करें, ऑलराउंडर भी पिक करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट टू ईयर स्टार्ट से फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लाइसा कोवाई किंग्स ने 7 मैच खेले और यहाँ पर सलीम स्पार्टन्स ने भी 7 मैच खेले, इसमें 4 मैच जीते हैं फ्रेंड्स, इसमें 2 मैच जीते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों टीम की टीम बैटिंग फर्स्ट की, अगर इन दोनों टीम यहाँ पर पहला बैटिंग करती है फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला बैटिंग करते हैं तो यहाँ पर लाइसा कोवाई किंग्स यहाँ पर 75% जीतने की चांस है और यहाँ पर सलीम स्पार्टन्स की 67% है। और वहीं यहाँ पर बैटिंग सेकंड विन की बात करें तो यहाँ पर 33% है लाइसा कोवाई किंग्स की और यहाँ पर इस टीम के अभी तक इतने खास परफॉर्मेंस नहीं रही है टीम सेकंड बैटिंग में। तो यहाँ पर सलीम स्पार्टन्स अगर टॉस जीतते तो पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेंगे क्योंकि इनके लिए फेवर है। तो और फ्रेंड्स एक और टॉपिक है यहाँ पर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर विकेट कीपर किस प्लेयर को लेना चाहिए, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो विकेट कीपर गए हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 विकेट कीपर है इंपॉर्टेंट विकेट कीपर। तो यहाँ पर देखा जाए तो आर केविन है फ्रेंड्स, इनकी देखा जाए तो एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट्स पर मैच है 15.4। और यहाँ पर एस शरीफ की बात करें तो फ्रेंड्स इनकी एवरेज पॉइंट्स है 12.2 और यहाँ पर यू सुशील की बात करें तो एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट्स है 11.4। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बेस्ट विकेट कीपर ऑप्शन में आपको 15.4 वाला आर केविन को पिक कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं टीम बना के रख चुका हूँ इसलिए टेंशन नहीं लेना, मत लेना टेंशन आप। लेकिन यहाँ पर आप देखिए पूरी ओवरऑल स्टैट्स को आपको पूरी तरह अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब आगे फ्रेंड्स बैट्समैन की, तो फ्रेंड्स बैट्समैन की बात करें ए श्रीनिवासन आपको पता है फ्रेंड्स चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेले हैं, बहुत अच्छे प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर। इनकी एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट्स है फ्रेंड्स 50.2 हर मैच, मतलब हर मैच में 50 पॉइंट्स लेते हैं। और यहाँ पर एस एच गोपीनाथ की बात करें तो 37.6 ड्रीम इलेवन पॉइंट्स है और जी राजू की बात करें तो 36.6, यहाँ पर ए वेंकटेश्वरन की बात करें 35.8 और एस चंद्रन की बात करें तो 24.6 ड्रीम इलेवन पॉइंट्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अगर तीन बैट्समैन की पिक करने की बात आती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक दो तीन को ले सकते हो ना, तो 1, 2, 3 ले सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि आपको ड्रीम इलेवन पॉइंट्स पता रहना चाहिए हर प्लेयर का, इनके एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट्स क्या है। तो अगर आप पता रहेगा तो फ्रेंड्स उस तरह से आप एक अच्छी टीम बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आप आगे ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, आपको ऑलरेडी मैंने बताया। ये तनवर की बात करें तो इनकी ड्रीम इलेवन पॉइंट्स है, एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट 57.4 हर मैच में। और के कुमारन, एस कुमारन की बात करें तो 51.8 और एस खान की बात करें तो आपको पता है फ्रेंड्स पंजाब के लिए खेलते हैं शाहरुख खान 45.8 और यहाँ पर विजय शंकर के 45। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 4 बेहतरीन ऑलराउंडर को आप इजीली पिक कर सकते हो। अब आगे फ्रेंड्स गेंदबाज की, तो गेंदबाजों की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो पेरिया स्वामी की बात करें 9 मैच में 27 विकेट लिए हैं इनकी। तो इनकी स्टार्ट्स आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, लेकिन इनकी एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट्स की बात करें तो 89.4 ड्रीम इलेवन एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट्स पर मैच है। और यहाँ पर टी नटराजन की 57.4 है और यहाँ पर बी प्रनीस की 53.7, एम मूर्ति की 45.2 और यहाँ पर एस राम की बात करें तो 43.4। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनकी स्टार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं ड्रीम इलेवन टीम दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं टीम बना के रख चुका हूँ, यहाँ पर मैंने विकेट कीपर में आर केविन को लिया जो आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, और उसके बाद यहाँ पर ए श्रीनिवासन, के गोपीनाथ, जी श्रीधर राजू को लिया मैंने, और यहाँ पर ऑलराउंडर में फ्रेंड्स यहाँ पर विजय शंकर, शाहरुख खान, ए तनवर को मैंने पिक किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बॉलर्स में अजीत राम, गणेश मूर्ति, परिया स्वामी और बी प्रनीश है फ्रेंड। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजिंग करता हूँ तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर कैप्टन्स को चेंज करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर मैं
फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं तनवर भी एक अच्छे प्लेयर है। अगर आप कैप्टन से आप शाहरुख खान को नहीं तो आप दूसरे प्लेयर को ले सकते हो फ्रेंड्स, बी फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 0.07, इनकी कोई पिक नहीं कर रहा लेकिन इनकी एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट्स है नियरली 90 एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट्स इनकी। तो यहाँ पर इस प्लेयर को आप यहाँ पर वाइस कैप्टन और कैप्टन बना सकते हो। यहाँ पर शाहरुख खान को आप कैप्टन चेंज कर सकते हो। ए तनवर की बात करें तो फ्रेंड्स वो भी देख लेते हैं एक बार। ए तनवर की एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट्स है 57.4। तो यहाँ पर इसी प्रकार आपको प्लेयर्स को पिक करना है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो आपको तो फ्रेंड्स यही है पूरी टीम मेरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बैट्समैन, एक विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर और यहाँ पर 4 गेंदबाज को मैंने पिक किया। आप यहाँ पर अगर 6 से 11 टीम बनाते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया वो स्टारा स्टार्ट से एक बार देख लीजिए। अब देख लेंगे तो फ्रेंड्स आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको टीम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसमें कोई भी प्लेयर मिस होता है तो फ्रेंड्स आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए फ्रेंड्स आपको मैं टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा स्टार्ट्स पंडित मेरा टेलीग्राम का चैनल है। 127 सब्सक्राइबर बहुत कम है लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी बढ़ने वाले सब्सक्राइबर। तो फ्रेंड्स आपको मैच से कुछ घंटे पहले इस तरह मैंने जो भी वीडियो यहाँ पर दे रहा हूँ वो वीडियो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। ये वीडियो आप एक अच्छे से देख के एक अच्छी टीम बना सकते हैं। अगर कोई भी प्लेयर मिस होता है तो फ्रेंड इस तरह मैं टीम प्रोवाइड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं टीम प्रोवाइड करता हूँ। तो फ्रेंड्स यही है पूरी इन्फॉर्मेशन, आप देख सकते हो टेलीग्राम पर सारा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ। फ्रेंड्स यही पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना फ्रेंड्स। थैंक यू। एंड जो भी सब्सक्राइब है वो कर लेना और बेल वाली जो आइकन है उसको भी क्लिक करना है, क्योंकि फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वहाँ जाकर देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू गुड लक।